फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का एक 360 डिग्री कवरेज करके उस क्वेश्चंस को रिविजिट एंड रिवाइज करेंगे। ओके, हमारा एजेंडा ये रहेगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी बातें पूछी जा सकती हैं वो सारे हमारे नॉलेज में हो और वो हमें याद भी रहे, राइट? तो आर्ट एंड कल्चर के लिए 2 डेज अलोकेटेड है। डे 1 का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि हम लोग इसमें वो सारी चीजें कवर करें जो हिस्ट्री से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर में पूछी जा सकती है या पूछी गई है, राइट? और डे 2 में हमारा एजेंडा ये रहेगा जो कंटेम्पररी डेवलपमेंट से, जैसे कहीं किसी स्टेट का फेस्टिवल, किसी स्टेट का ट्राइब, कोई GI टैग, इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो हम लोग डे 2 में कवर करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% फैक्चुअल था कि इनमें से कौन सा हरप्पा साइट नहीं है। और ये आप न्यूज़पेपर क्लिपिंग देख सकते हैं, ये द हिंदू का है जो 7 फरवरी 2019 का है, राइट? इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में कोर्ट डीजी का नाम आया था। मे बी दैट इज द रीजन कि वो क्वेश्चन अपीयर हुआ और ये नाम अपीयर हुआ एग्जाम में एक्चुअली। बट स्टिल आई वुड से कि ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम लोग हर एक स्टेट का न्यूज़पेपर जा करके पढ़ें। सो व्हाट वी नीड टू डू इज बेसिक मिनिमम कि एनसीईआरटी के बुक में जो एक पेज है जिसमें इंडस रिवर के अलोंग अलग अलग साइट्स मैप्ड हैं, वो अलग अलग साइट्स आप बाय नेम तो याद रहना ही चाहिए और हर एक साइट की अगर मान लीजिए कोई यूनिक स्पेशलिटी है तो वो साइट्स हमें याद रहनी चाहिए। व्हाट वी नो अबाउट हरप्पन साइट इज यूजुअली इट इज हैविंग 2 towns, द लेफ्ट टाउन एंड द राइट टाउन। ओके, द लेफ्ट वन दैट इज द वेस्ट टाउन हैज सिटाडेल एंड दिस इज हायर एंड द राइट साइड दैट इज ईस्ट दिस इज नॉन सिटाडेल टाउन। बट चानहुदारो इज दी ओनली हरप्पन साइट विदाउट अ सिटाडेल। चानहुदारो के बारे में एक और बात जो बहुत फेमस ही है कि इट वॉज अ सील मेकिंग बीड मेकिंग एरिया, तो यहाँ पे बहुत बीड्स पाए गए हैं ऑफ हरप्पन एज। ओके, कोट डीजी इज अ प्लेस इन पाकिस्तान जहाँ पे भी सेम हरप्पन टाउन्स पाए गए हैं जो एक ग्रिड पैटर्न में है, जहाँ सिटाडेल्स पाए गए हैं, ग्रेनरीज पाई गई हैं। सो कोट डीजी इज ऑल्सो वन ऑफ द हरप्पन साइट। सोहागौरा इनफैक्ट यहाँ पे कॉपर इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं जो कॉपर इंस्क्रिप्शंस IVC से नहीं बिलोंग करते हैं। ओके, देसलपुर के बारे में एक यूनिक बात ये है कि ये भी ऑब्वियसली हरप्पन साइट ही है और ये एक फोर्टिफाइड टाउन है। ओके, सो दिस मस्ट बी एन इम्पोर्टेंट टाउन जिसको प्रोटेक्ट करना जरूरी होगा, इसलिए इस एरिया को फोर्टिफाई किया गया होगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन वाज सोहागौरा। बट हम लोग कुछ और भी जगह जो IVC के बारे में हम लोग को पता रहनी चाहिए वो एक बार रिवाइज एंड रिकॉल कर लेते हैं। दैट इज दैमाबाद जहाँ की काफी सारे ब्रॉन्ज इमेजेस पाए गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन कल्चर को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। बट यूनिकली ब्रॉन्ज का एक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट दैट इज कॉपर, कॉपर वॉज नॉट अबंडेंटली अवेलेबल टू देम। ओके, एक और जगह जो हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए दैट इज सुरका तोड़ा। ये एक लेट हरप्पन साइट है विच इज द ओनली प्लेस जहाँ हॉर्स बोन्स पाए गए हैं। सो दिस ऑल्सो डिनोट्स कि हरप्पन पीपल वर नॉट वेरी मच एक्वेंटेड टू हॉर्सेस, ये बिकॉज कि यहाँ ये एक अकेला साइट है जहाँ की हॉर्सेस पाए गए। अपार्ट फ्रॉम दिस कालीबंगन जहाँ की फायर अल्टर्स पाए गए हैं जो लोथल में भी पाया गया है। ओके, कालीबंगन में सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामियन एज ये भी पाया गया है एंड मैन होल्स भी यहाँ पाए गए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक टेम्पररी कवर्ड ड्रेनेज को फॉलो करता था तो ऑब्वियसली उसके क्लीनिंग की भी जरूरत होगी। तो कालीबंगन में बहुत सारे मैन होल्स पाए गए हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे वेल्स भी पाए गए। लोथल पे डबल बरियल पाया गया है, तो क्वेश्चन ऐसे भी अपियर हो सकता है कि इनमें से कौन सा जगह है जहाँ की डबल बरियल मिला है। तो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस विष्ठी, विच इज अ फॉर्म ऑफ पोजली जो गुप्ता एम्पायर के टाइम में फॉलो होता था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विष्ठी के बारे में करेक्ट है, राइट? सो ये तो डायरेक्टली NCERT ओल्ड NCERT का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नहीं मिस होना चाहिए था। द NCERT सेज कि जब गुप्ता एम्पायर की आर्मी ये कंट्री साइड या वसल्स के एरिया में जाती थी तो इन मसल्स के लोग इस आर्मी को फीड करते थे। ओके, दैट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेस जो वहां की जनता किंगडम को पे कर रही है, क्योंकि किंगडम की आर्मी उस एरिया से गुजर रही है और आप उस आर्मी को फीड कर रहे हो, तो यू आर एक्चुअली पेइंग अ टैक्स टू द किंगडम, राइट? सो ये एक फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर होता था। दस द करेक्ट आंसर हियर वुड बी इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। लेकिन गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड और भी जो टर्म्स हम लोगों को याद रखने की जरूरत है वो कुछ ऐसे हैं, विष्ठी जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी,
कुमारामात्या ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे। ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, ये भी याद रखने की जरूरत है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी गुप्ता एज में ही बनाया गया था। भुक्ति विश्वास एंड विठी ये एम्पायर का डिविजन है, जो हम लोग प्रेजेंटली स्टेट कहते हैं, झारखंड, बिहार, एमपी, यूपी, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, ये जो भी स्टेट्स के एग्जाम्पल हैं, प्रोविंसेस, इनको भुक्ति कहा जाता था। ये प्रोविंसेस का फर्दर डिविजन था, जो भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं वो विश्यास कहलाते थे। सिर्फ ईस्टर्न इंडिया में विश्यास का डिविजन विठी में हुआ था, ओनली इन ईस्ट। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स ये भी हम लोग जान लेते हैं एक बार। क्षेत्र भूमि वो होता था जो कल्टीवेबल जमीन होती हो, जहाँ के अनाज उपजाया जा सके। खिला एक वेस्ट लैंड होता था, वास्तु हैबिटेबल एरिया होता था जहाँ लोग रहते थे, वो नाम से भी हम लोग गेस कर सकते हैं। और चाराग्रह ये भी गेस किया जा सकता था कि ये एक पैस्चर लैंड है, जहाँ पैस्चर्स को रखा जाता था, उनको खिलाया पिलाया जाता था, उनके रहने की जगह थी। ओके, और एक अप्रहता था, इसको फॉरेस्ट कहते थे, जिसको वैदिक एज या लेटर आर्यन एज में अरण्यक कहा जाता। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है कि डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, अगर एग्जाम में हम लोगों को कोई इंग्लिश टर्म का मतलब इन केस इन वर्स केस अगर नहीं समझ में आ रहा हो, तो क्विकली उसके हिंदी टर्म्स को देख करके वो क्वेश्चन को समझ करके आगे बढ़ जाना है। वैसे ये टर्म डेफिकेशन डेटी से आया है, कि बुद्धा को भगवान बनाना। ओके, सेकंड स्टेटमेंट के था कि बोधिसत्वास के पाथ को ट्रेड करना, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वास, ये बोधिसत्वास एक रास्ते पे जा रहे हैं और हम लोग उनको फॉलो करते हैं, राइट। और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, इनमें से कौन सा महायान बुद्धिज्म को फॉलो करता है। ओके, सो महायान बुद्धिज्म, हम लोग को ये डेफिनेटली पता है कि दैट इज हाउ इट गॉट सेग्रीगेटेड फ्रॉम हीनयान बुद्धिज्म, कि ये लोग सिंबलिज्म से दूर हो गए और ये लोग इमेज वर्शिप पर आ गए। हीनयान हैज कंटिन्यूड टू वर्शिप द सिंबल्स, बट महायान बुद्धा के इमेजेस की पूजा करने लगा और उनका अलग अलग इनकारनेशंस को बोधिसत्वास कहा जाने लगा। बोधिसत्वास वैसे लोग होते हैं जो बुद्धा बनने के पाथ पर निकल चुके हैं। ओके, एंड डेफिकेशन ऑफ बुद्धा मतलब उनको भगवान बनाना, डेटी बना लेना बुद्धा को, ये भी महायान बुद्धिज्म का ही आइडिया था। ओके, सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, लेकिन यहाँ पे हम लोग महायान और हीनयान के कुछ डिफरेंसेस को एक बार रिविजिट कर लेते हैं। ये हीनयान के सिंबल्स हैं, टोटली 8 सिंबल्स हैं। दिस लोटस, वी हैव ऑलरेडी रेड फ्रॉम एनसीईआरटी की लोटस डिनोट्स द बर्थ ऑफ बुद्धा, एंड दिस इज धम्मचक्र व्हिच डिनोट्स धम्मा और द रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये जो इनफाइनाइट नॉट्स हैं, नॉट्स, इनका मतलब होता है इटर्नल हार्मनी। इसके अलावा ये एक शेल है जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में शंख कहते हैं। ये शंख डिनोट्स thoughts of Buddha, and this is golden fish. This golden fish denotes conjugal happiness and freedom. Ye vase, this is called as a treasure vase. Ye inexhaustible treasure ko denote karta hai. And this is the crown. Usually, aap Buddha temples wagar mein agar jaoge, toh Buddha ke oopar ye vertical form mein rakha hua rehta hai. This denotes ki it is a crown which is protecting from various types of elements. और एक होता है विक्ट्री बैनर, विच इज विजय स्तंभ, जो कि विक्ट्री डिनोट करता है। विजय स्तंभ आपको मोस्ट ऑफ द मोनास्ट्रीज के बाहर एक यूजुअली एक बांस का लकड़ी और उस पे बहुत सारा कपड़ा बंधा हुआ रहता है। ओके, दैट डिनोट्स विजय स्तंभ, राइट। अब हम लोग महायान वर्सेस हीनयान के डिफरेंसेस पे चले आते हैं। महायान बुद्धिज्म यूज टू वर्शिप बुद्धा एज गॉड, वेयर एज हीनयान हैज कंसीडर्ड बुद्धा टू बी ह्यूमन। महायान हैज मूव्ड टुवर्ड्स आइडल वर्शिप, whereas Hinayana continued to go ahead with symbol worship. Mahayana's spread has been towards north and northeast, jabki Hinayana bahut hi kam area mein survive kar paya, because symbol worship bahut zyada society mein nahi chal pati hai until and unless you idealize a god. Okay, so Hinayana has remained in very few areas in some parts of Southeast Asia, jahan ki bhi zyada prevalent are Theravadins, which is another sect. ओके, महायान का टेक्स्ट मोस्टली संस्कृत में होता है, व्हेयरएज फॉर हीनयान इट इज इन पाली। सो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों ही था। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज बिल्डिंग कल्याण मंडपास वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेंपल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। करेक्ट आंसर हियर इज विजयनगर। ओके, यहाँ पे चंडेलास हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते थे, बिकॉज चंडेलास इज अ फॉर्म ऑफ नगारा टेम्पल्स एंड कल्याण मंडपा are basically marriage halls in South India. So it cannot be
नगारा स्टाइल टेम्पल, इट हैज टू बी अ द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल. ओके, राष्ट्रकूटस बेसिकली ह्यूज मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स के नाम से जाने जाते थे और इसका बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इज कैलाशनाथ. ये एक एग्जाम्पल है विजयनगर आर्किटेक्चर का. दिस इज कॉल्ड हॉल ऑफ डांस इन लेपाक्षी एंड दिस इज लेपाक्षी पेंटिंग विच इज द विजयनगर स्टाइल ऑफ पेंटिंग. सो हियर हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं विजयनगर आर्किटेक्चर, उसके पेंटिंग और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि विजयनगर इज वन ऑफ द फेवरेट एरियाज ऑफ यूपीएससी. वो इधर प्रीलिम्स या मेंस में सम ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ विजयनगर से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछते हैं. सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स विजयनगर आर्किटेक्चर, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो यहाँ बने गए हैं दैट इंक्लूड्स विठल स्वामी एज वेल एज वीरूपक्ष टेम्पल या वीरभद्र टेम्पल. दिस इज ऑल्सो नोन एज लेपाक्षी टेम्पल एंड दैट इज हाउ विजयनगर की जो पेंटिंग्स हैं उनको लेपाक्षी पेंटिंग भी कहा जाता है. इनके बारे में एक खास बात आर्किटेक्चर के बारे में ये है कि इनका गोपुरम बहुत बड़ा होता है और इनके डेटीज जो टेम्पल के अंदर बने रहते हैं वो लाइफ साइज डेटीज होते हैं या पिलर्स का प्रिवेलेंस बहुत ज्यादा होता है इनके टेम्पल्स में. तो एक यूपीएससी का पहले क्वेश्चन आया था कि इतने सारे पिलर्स, जो हर एक पिलर एक राग के लिए नोन है, ये कौन से आर्किटेक्चर का टेम्पल है. तो इन केस हम लोगों को एग्जैक्टली वो आंसर नहीं भी पता है, अगर ये पता है कि विजयनगर आर्किटेक्चर में पिलर्स बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हैं, तो टेकिंग अ रिस्क हम लोग विजयनगर मार दे सकते थे उस क्वेश्चन में. लेपाक्षी टेम्पल में एक बुल बना हुआ है, दैट इज वीरभद्र टेम्पल का एक बुल है. वो बुल इज द लार्जेस्ट बुल इन अ मोनोलिथिक रॉक फॉर्म. जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो तंजावुर में है, जो चोलास के द्वारा बनाए गए थे. ओके, सो मूविंग ऑन टू देयर पेंटिंग्स, इनके पेंटिंग्स में रामायण महाभारत का डिस्क्रिप्शन होता था और एक खास बात ये होती थी कि इनमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर्स होता था, तो इमेज मोर और लेस डल लगता था. दिस इज एन एग्जाम्पल एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर्स. ओके, मूविंग ऑन टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हम लोग को इम्पोर्टेंटली याद रखने की जरूरत है क्योंकि विजयनगर आर्किटेक्चर किंगडम पेंटिंग has been one of the favorite areas of UPSC. So we will have to ensure ki isse related hum log koi bhi cheez miss na kar dein. Okay, so moving on to Vijayanagar's administration, ye log Iyengar system of administration follow karte the. Ye village administration ke liye use hota tha, jo ki Iyengar ek 12 member body hoti thi jo ki village affairs ke liye responsible hoti thi aur in Iyengars ko एक एक जमीन का टुकड़ा दिया गया था कि आप इससे जो भी रेवेन्यू आता है वो कलेक्ट करके रख लीजिएगा, ये आपका इनकम होगा फ्रॉम स्टेट, राइट. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फेमस है, जो कि यूपीएससी का भी फेवरेट डोमेन है, इज विमेन पार्टिसिपेशन. विमेन पार्टिसिपेशन वॉज ह्यूज इन विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, विमेन लड़ाइयां भी लड़ती थी, विडो रीमैरिज भी अलाउड था, चाइल्ड मैरिज भी अलाउड नहीं था. तो विमेन का स्ट्रक्चर ओल्ड सोसाइटी में, इंक्लूडिंग एंशियंट सोसाइटी या मेडिवल सोसाइटी, ये मिला करके सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर विजयनगर पीरियड में रहा है. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 का क्वेश्चन है. विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, स्थानक वासी सेक्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन. एक्चुअली ये भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म ऑफ जोन हो गया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर वॉज जैनिज्म. बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ये दो फेवरेट डोमेन है यूपीएससी का. सो इससे रिलेटेड हम लोगों को जितनी मैक्सिमम चीजें नॉलेज में आ सकती है वो हम लोग रखने की जरूरत है. जैनिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म्स जान लेते हैं. फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू जैनिज्म इज अनेकांतवाद एंड स्यादवाद. अनेकांतवाद का बेसिक मीनिंग होता है कि बहुत सारे डाइवर्स एंड कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू पॉइंट को भी एक्सेप्ट करके उसके साथ आगे चलना इज अनेकांतवाद. ओके, एंड स्यादवाद बेसिकली मीन्स कि ट्रूथ इज कंडीशनल या जजमेंट इज कंडीशनल. कोई भी जजमेंट कभी भी ट्रू हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस इन विच दैट जजमेंट इज मेड, राइट. सो दैट इज स्यादवाद. इसके अलावा इनके कुछ फेस्टिवल्स के बारे में जान लेते हैं. इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है पर्युषणा फेस्टिवल, और बाकी तो कॉमनली नोन है, गेस भी किया जा सकता है, महावीर जयंती और महामस्तकाभिषेक. महामस्तकाभिषेक ये स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर का होता है जो हर 12 साल पे होता है, तो ये भी याद रखने की जरूरत है. इसके अलावा इनके लिटरेचर में दो इम्पोर्टेंट सेट ऑफ बुक्स हैं, विच इज अगम सूत्र एंड नॉन अगम सूत्र. आर्किटेक्चर में दो टर्म्स से हम लोग को फेमिलियर होने की जरूरत है. वन इज बसडी, जो कि चैत्याज ऑफ
बुद्धिज्म के सिमिलर है, मतलब इट इज अ काइंड ऑफ प्रेयरिंग हॉल एजुकेशनल एरिया ऑफ जैनिज्म, ओके। और दूसरा टर्म है मनस्तम। मनस्तम यूजुअली किसी जैन टेंपल के फोर कार्डिनल डायरेक्शंस में पाया जाता है, ओके। और इस स्तंभ के ऊपर एक तीर्थंकर बने रहते हैं, ओके। ये इमेज इज दैट दिगंबर जैन टेंपल एट धौली। सो धौली के बारे में हम लोग को ये याद रखने की जरूरत है कि इट इज नॉट ओनली हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट फॉर बुद्धिज्म बट ऑल्सो फॉर जैनिज्म। बाकी ये तो एनसीईआरटी के ही स्टेटमेंट्स हैं कि धौली में रॉककट आर्किटेक्चर, रॉककट एलिफेंट ऑफ अशोका बनाया गया है एंड धौली इज सेट टू बी द प्लेस वेयर कलिंगा वॉर वाज फॉट। नाउ कमिंग टू द सेक्ट, डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म इंक्लूड दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिस श्वेतांबर सेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मूर्ति पूजक एंड थानकवासी, जो हमारे क्वेश्चन में था। दिस दिगंबर सेक्ट, ये दिगंबर सेक्ट का फर्दर डिविजन हुआ इंटू मूल संघ, दिशा पंथ एंड समय पंथ। एंड फाइनली पैट्रनाइजेशन में जैनिज्म वॉज पैट्रनाइज्ड बाई चंद्रगुप्त मौर्य, द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, एंड लेटर ऑन बाई खरवला किंग्स ऑफ उड़ीसा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज फ्यूचर बुद्धा येट टू कम एंड सेव द वर्ल्ड। दिस इज अगेन टू मच डीप ड्वेलिंग इनटू बुद्धिज्म, बट क्योंकि ये यूपीएससी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पे बहुत ज्यादा स्टिक कर रहा है, सो अगेन वी नीड टू फोकस अ लॉट ऑन देम। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन हियर इज मैत्रेय। मैत्रेय इज द फ्यूचर बुद्धा, लेकिन इसके अलावा बाकी सब के बारे में हम लोग को जानने की जरूरत है। पद्म पानी, पानी बेसिकली मीन्स हैंड, ये पाली में भी ट्रू है, प्राकृत में भी ट्रू है, पानी इज हैंड एंड पद्म इज लोटस। तो जिसके हाथ में लोटस हो उनको पद्म पानी कहा जाएगा, जिनके हाथ में वज्र होगा दैट इज वेपन, उनको वज्र पानी कहा जाएगा। सो पद्म पानी इज द वन हु इज हैविंग लोटस इन हैंड। तो लोटस डिनोट्स पीस, ओके, लोटस डिनोट्स बुद्धा, ओके। तो पद्म पानी वैसे बोधिसत्व हैं जिनके मन में पीस है या जो पीस प्रीच कर रहे हैं, ओके, जो मन में शांति की भावना लाने में मदद करते हैं, दैट गॉड इज पद्म पानी और दैट बोधिसत्व इज पद्म पानी। इनके अलावा एक दो बोधिसत्व के बारे में हमें और भी जानना होगा, विच इज अमिताभ। अमिताभ इज द बुद्धा ऑफ हेवन, ओके। दिस इज द इमेज ऑफ पद्म पानी, ये हाथ में लोटस लिए हुए हैं, और वज्र पानी, ये दोनों अजंता के इमेजेस हैं जिसमें ये इनके हाथ में वो वज्र नहीं दिखाई दे रहा है, ओके। मैत्रेय, ये तो हम लोग देख ही लिए कि बुद्धिज्म का कहना है कि बुद्धा विल री इनकार्नेट अगेन। अब जो नेक्स्ट आने वाले हैं ही इज मैत्रेय, और अमिताभ हम लोग देख चुके हैं, ही इज द बुद्धा ऑफ हेवन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से जैनिज्म बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। सौत्रांतिका एंड समितिया, ये दोनों सेक्ट हैं बुद्धिज्म के। सो बुद्धिज्म के बारे में हम लोग वापस सारे इन्फॉर्मेशन को रिकॉल रिकलेक्ट कर लेते हैं। बोधिसत्वास हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में रिवाइज कर चुके हैं, बोधिसत्वास हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में रिवाइज कर चुके हैं। तो कुछ बुद्धिज्म के फेस्टिवल्स देख लेते हैं। वन ऑफ द फेस्टिवल इज वेसक, और एक होता है उपोसाद। ये हर एक क्वार्टर ऑफ मून के टाइम पर मनाया जाता है, और दिस मीन्स टू रिन्यू द कमिटमेंट टुवर्ड्स टीचिंग, जो भी बुद्धा सिखा करके गए हैं उस कमिटमेंट को रिन्यू करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। कुछ और टर्म्स जो बुद्धिज्म में रिलेटेड हैं, दिस इज तन, इट आल्सो मींस थर्स्ट। अगर हम लोग रिकलेक्ट करें कि एनसीईआरटी हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है बुद्धिज्म के बारे में, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच बुद्धिज्म सेज इज कि वर्ल्ड में बहुत सौरो है, और सौरो का कॉज इज डिजायर, दैट डिजायर इज ऑल्सो कॉल्ड थर्स्ट या तन। तो क्वेश्चन में देखते हैं वापस, सौत्रांतिका एंड समितिया ये जैनिज्म के सेक्ट्स नहीं है, ये दोनों बुद्धिज्म के सेक्ट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन में सेकेंड टर्म कहता है सर्वस्थवादिन ऐसा फिलोसफी है जो ये कहता है कि हर चीज हर समय एग्जिस्ट करती है, दैट इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हर टाइम हर एक आइडिया एग्जिस्ट करता है, ओके। गोइंग बाय द स्टेटमेंट, सर्वस्थवादिन हेल्ड दैट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फिनोमेना वेर नॉट होली मोमेंटरी बट एग्जिस्टेड फॉरएवर इन अ लेटेंट फॉर्म, मतलब वो एक ढके हुए एक छुपे हुए फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करती है, और दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सर्वस्थवादिन। इसलिए यहाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सर्वस्थवादिन लेड टू टू सेक्ट्स इन बुद्धिज्म, वन वाज मूल सर्वस्थवादिन और जो दूसरे थे वही थे सौतांत्रिका, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ड्वेलिंग इनटू जैनिज्म या बुद्धिज्म फिलॉसफी है,
और कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोगों के लर्निंग के डोमेन के बाहर होता है। अगर आपका ऑप्शनल फिलोसफी नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन का कोई भी नॉलेज रख पाए। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन के पीछे जा करके बाकी पूरे सेट जो हम लोग को एक्चुअली पता रहना चाहिए, ये गलती हम लोग नहीं करें। ओके, इस तरीके का क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो उसके लिए परेशान भी नहीं होने का, जस्ट दैट कि क्योंकि ये क्वेश्चन अपीयर हो चुका है तो इससे जो भी हम लोग को लर्निंग पॉइंट्स मिल रहा है वो हम लोग को असेंबल करके आगे बढ़ने की जरूरत है। सच दैट इससे सिमिलर डोमेन में कोई क्वेश्चन पूछे जाएगा तो वो हम लोग से छूटेगा नहीं, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2017 का ही क्वेश्चन था। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व के पद्म पाणि का पेंटिंग ये कहाँ पे पाया गया है, और दिस इज फाउंड इन अजंता। केव आर्किटेक्चर के बारे में या केव पेंटिंग्स के बारे में हम लोग को डायरेक्टली एनसीईआरटी से मिलता है सारे इन्फॉर्मेशन, और ये भी एक 100% डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, जो कि पद्म पाणि के पेंटिंग का इवन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में, जो कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट एनसीईआरटी में है। तो दिस वॉज एन इजी क्वेश्चन जो कि हम लोग से नहीं छूटना चाहिए था। बाकी बाकी सारे केव पेंटिंग्स के बारे में अगर हम लोग को जानना है तो एक दो बात ये जानने की जरूरत है कि बाघ केव पेंटिंग्स इज वेरी मच सिमिलर टू अजंता। बाघ केव पेंटिंग्स बहुत ज्यादा सिमिलर है अजंता के। और जो एलोरा है इसके बारे में सबसे खास बात इज राष्ट्रकूटा के जो एक टेम्पल है विच इज कैलाशनाथ टेम्पल। एलोरा केव्स के बारे में ये भी जानने की जरूरत है कि माउंटेन का एक स्टीप साइड होता है और एक जेंटल स्लोप होता है, तो जो अजंता के केव्स हैं वो इसके स्टीप साइड में पाए गए हैं, इसलिए इनका लंबा कोर्ट रूम नहीं है, दे डू नॉट हैव कोर्ट यार्ड। ऑन द अदर हैंड एलोरा के जो केव्स हैं वो जेंटल स्लोप पे बनाए गए हैं, इसलिए दे हैव ह्यूज कोर्ट यार्ड। बाकी अजंता एलोरा दोनों ही महाराष्ट्र में पाया जाता है, दोनों ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इन सब के बारे में जानने की जरूरत है। बादामी के जो पेंटिंग्स होते हैं ये मोस्टली चालुक्य एज में बने गए हैं, क्योंकि बादामी इनका कैपिटल रहा है, आईहोल बादामी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली ऋग्वेदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल के बीच के डिफरेंसेस पे बेस्ड था क्वेश्चन, एंड इट वाज अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ये क्यों था ये हम लोग को क्वेश्चन के दौरान पता चलेगा। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऋग्वेदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल के बारे में सही स्टेटमेंट है, वो सही हम लोग को करेक्ट करके आंसर में निकालना है। ओके, इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ऋग्वेदिक पीपल जो थे वो कोट ऑफ मेल या हेलमेट ये सब तरीके की चीजें यूज करते थे वॉरफेयर में। हम लोग को ये पता है कि इंडस वैली पीपल जो थे इनको आयरन के बारे में नहीं पता था, कि आयरन वाज नॉट नोन टू देम। टिन और कॉपर का यूटिलाइजेशन ये लोग करते थे, ओके, जिसमें भी कॉपर बहुत ज्यादा यूज नहीं कर पाते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इस तरीके की कोई भी चीजें यूज नहीं कर पाया क्योंकि उनके पास कोई हार्ड सब्सटेंस नहीं था, ओके, टू प्रिपेयर हेलमेट। लेकिन ऋग्वेदिक आर्यंस इन सब का नॉलेज रखते थे, इसलिए इनके पास ये सब चीजें वॉरफेयर में थी। बट लेट अस अज्यूम कि हम लोगों को ये आंसर नहीं पता है बिकॉज डायरेक्टली कोट ऑफ मेल या हेलमेट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। इवन इन दैट केस इस क्वेश्चन में डायरेक्टली लेट अस कम टू द सेकेंड स्टेटमेंट पहले, जो बोलता है कि ऋग्वेदिक आर्यंस को गोल्ड सिल्वर या कॉपर का नॉलेज था जबकि इंडस वैली पीपल को सिर्फ कॉपर एंड आयरन का नॉलेज था, ये हम लोग स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत मान सकते थे। बिकॉज कि अगर आयरन उनको पता रहता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को तो दे वुड हैव बीन एबल टू कट डाउन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कटिंग डाउन हो सकता था और एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो सकता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर सकता था अगर उनके पास आयरन होता तो। लेकिन इंडस वैली लोगों के पास आयरन का कोई नॉलेज नहीं था जो कि ऋग्वेदिक पीपल्स के पास था, इसलिए ऋग्वेदिक आर्यंस वेर एबल टू एक्सपैंड देमसेल्व्स अप टू गंगा यमुना दोआब या अप टू महाजनपद ऑफ मगध। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते थे और बचता हम लोग के पास दो ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन देख करके पता चल रहा है कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए हम लोग को पहले स्टेटमेंट पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। तो ये दोनों ऑप्शन देख करके हम लोग को समझ जाना था कि हम लोग को स्टेटमेंट वन में दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इवन इफ वी आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट इन एनसीईआरटी की ये सब इन्फॉर्मेशन दैट इज कोट ऑफ मेल या हेलमेट मेंशन्ड था या नहीं, तो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से निश्चिंत हो सकते थे। व्हाट वाज कॉन्ट्रडिक्टरी अबाउट दिस क्वेश्चन वाज द थर्ड स्टेटमेंट कि ऋग्वेदिक आर्यंस के पास हॉर्स था लेकिन इंडस वैली पीपल हैड नो नॉलेज ऑफ हॉर्स, या वो लोग अवेयर नहीं थे हॉर्स के बारे में। ओके, ये स्टेटमेंट एक्चुअली करेक्ट है इवन इफ हॉर्स बोन्स हैज बीन फाउंड इन सुरका तोड़ा। ये स्टेटमेंट बहुत लोगों ने इसलिए मार्क किया था इनकरेक्ट बिकॉज़
कि हॉर्स बोन्स इस जगह पे पाए गए थे, इसलिए दे वर अवेयर ऑफ दिस एनिमल, दैट इज करेक्ट। बट ऑफिशियल की में ये स्टेटमेंट को करेक्ट कहा गया है कि इंडस वैली पीपल को इस जानवर के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। सुरका तोड़ा एक्चुअली लेट हरापन फेज में डेवलप हुआ है। अब क्योंकि ये लेट हरापन फेज में डेवलप हुआ है, तो यहाँ जो हॉर्सेस पाए गए हैं वो एक्चुअली एडवेंट ऑफ आर्यंस के एविडेंस ऑलरेडी दिखाना शुरू कर चुके हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट होते हुए ऑफिशियल की में आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एंशियंट हिस्ट्री में लिखा गया एक बहुत ही फेमस लिटरेचर डिस्क्राइब्स द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। तो एक्चुअली सुंगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्र सुंगा, जिन्होंने बृहदत्त मौर्य इनको मार करके सुंगा डायनेस्टी मगध में एस्टैब्लिश की थी। इनके बेटे का नाम अग्निमित्र है। तो अगर अग्निमित्र तक पहुंच गए तब तो आंसर निकल जा सकता था मालविका अग्निमित्र, लेकिन अगर अग्निमित्र तक नहीं पता है तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिलहाल तो हम लोग इस क्वेश्चन से यही सीख ले सकते हैं कि हम लोग हर एक लिटरेचर के ऑथर का नाम और कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स के बेसिक आइडिया पता कर ले सकते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। स्वप्न वसाव दत्त वॉज वन ऑफ द 13 प्लेज ऋषि भाष के द्वारा लिखी गई। ही वॉज अ वेरी फेमस प्ले राइट, और इनके बाकी सारे प्लेज इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जितने ये स्वप्न वसाव दत्त है। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन हमारा दोनों ही कालिदास के प्लेस हैं। एक्चुअली कालिदास अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते थे, तो अपनी वाइफ को अपने इमोशंस के लिए डिस्क्राइब करते हुए एक पोएम लिखे थे जिसका नाम मेघदूत है। मेघदूत दो वर्ड से बना है, मेघ और दूत। क्लाउड्स एक्टिंग एज ए मैसेंजर इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस पोएम। तो उनके मन के इमोशंस को उनकी वाइफ तक क्लाउड्स पहुंचा रहे थे एज ए मैसेंजर, इसलिए इसका नाम मेघदूत पड़ा। ओके और दूसरी वाली है मालविका अग्निमित्र, जो अग्निमित्र एंड मालविका की लव स्टोरी है, वेर मालविका वॉज हिज मेड सर्वेंट। ओके कालिदास के कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स एंड ड्रामास के बारे में जान लेते हैं। तो ऋतु संहार जो सारी ऋतुओं का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सीजन, दूसरा हुआ मेघदूतम, एक है कुमार संभवम। ये एक्चुअली कार्तिकेय के जन्म की कहानी है जो शिवा और पार्वती के बेटे हुए, और एक है रघुवंशम जो रघुवंश दशरथ और राम के एंसेस्टर्स की स्टोरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कालिदास के ड्रामास या प्लेज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है मालविका अग्निमित्र, एक है विक्रमोर्वशीय और लास्ट वन इज अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम नाम सुनकर के पता चल रहा है कि ये दुष्यंत और शकुंतला की स्टोरी है, और ये जो विक्रमोर्वशीय है ये बेसिकली एक राजा और एक अप्सरा, अप्सरा का नाम है उर्वशी, इनकी स्टोरी है। सो मोस्टली कालिदास के पोएम्स या ड्रामास ये सारे वॉज रिलेटेड टू लव स्टोरी। जो लास्ट ऑप्शन है हमारा रत्नावली, ये किंग हर्षा के द्वारा लिखी गई है रत्नावली। ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड ऑथर। हर्षा ने और भी कुछ किताब लिखी है, दैट इंक्लूड्स नागनंदा विच इज अ स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस एंड अनदर वन इज प्रियदर्शिका। ये जो रत्नावली है इसमें पहली बार होली का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग यही सारे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि आगे इस तरीके के क्वेश्चन से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं छूटे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अशोका के एडिक्ट्स को या अशोका के इंस्क्रिप्शंस को किन्होंने डिसाइफर किया है। ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वैसे लोग होते हैं जो ओरिएंटल वर्ल्ड दैट इज ईस्टर्न वर्ल्ड के सिविलाइजेशन में विश्वास रखते हैं। यूजुअली ब्रिटिशर्स या वेस्टर्न वर्ल्ड का ये मानना होता है कि दे हैव अ वाइट मेंस बर्डन, कि उनकी ही सोसाइटी सिविलाइज सोसाइटी है और बाकी सोसाइटी सिविलाइज नहीं है, तो इसलिए उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी सोसाइटीज को सिविलाइज करना। लेकिन ओरिएंटलिस्ट ऐसा नहीं मानते हैं। ओरिएंटलिस्ट तो मानते हैं कि ईस्टर्न सोसाइटी भी बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड है और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है इनसे। तो इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। मैक्स म्यूलर जो थे इन्होंने एक बुक लिखी थी सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट, और हितोपदेश एंड ऋग्वेद इसको जर्मन में कन्वर्ट किया गया था। जेम्स प्रिंसेप ही वो इंसान थे जिन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया था, और ये कैसे याद रहेगा कि एक इकलौता इनके ही नाम में प्रिंस है, तो इन्होंने प्रिंस अशोका या एम्परर अशोका के
इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर किया होगा. ओके, विलियम जोन्स इज ऑल्सो अ वेरी फेमस नेम. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का एस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था. ही ऑल्सो इज वेरी वेल नोन क्योंकि इन्होंने मनु के लॉज को ट्रांसलेट किया था. और भी कुछ नाम जानने की जरूरत है यहाँ पे, दैट इंक्लूड्स अलेक्जेंडर कनिंगहम. अलेक्जेंडर कनिंगहम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे. और एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है चार्ल्स विल्किंस. चार्ल्स विल्किंस हैड ट्रांसलेटेड गीता, तो इन्होंने गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ. ये फिर से 2016 में बुद्धिज्म से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि टू सम एक्सटेंट ड्यूएबल था अगर आपको महायान और हीनयान बुद्धिज्म का बेसिक टेनेट्स का आइडिया हो. महायान बुद्धिज्म बुद्धा के अलावा बोधिसत्वस की भी पूजा करते हैं. बोधिसत्वस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वैसे लोग होते हैं जो एनलाइटमेंट के पाथ में निकल चुके हैं और वो अपना लाइफ डेडिकेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोक्ष या एनलाइटनमेंट मिले. तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि बोधिसत्व का पूरा कंसेप्ट हीनयान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और ये हम लोगों को पता है कि ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है. बोधिसत्वस इज ऑलवेज रिलेटेड टू महायान बुद्धिज्म. तो अगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पाते तो हम लोग को सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट पे जोर लगाने की जरूरत थी. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ कहता है कि बोधिसत्व अपना सैल्वेशन को डीले करते हैं सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग सैल्वेशन के पाथ पर निकल पाए या पहुंच पाए. तो ये भी बात बिल्कुल ही ट्रू है बोधिसत्वस के बारे में. बाकी हम लोग बोधिसत्वस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, उनके इंपॉर्टेंट नाम, ये सब डिस्कस पहले ही कर चुके हैं. एक और बात याद रखने की जरूरत है कि सांची स्तूप में या फिर किसी भी स्तूप के वेदिका में मोस्टली बोधिसत्वस के बारे में डिस्क्राइब रहता है. तो अगर हम लोगों के पास कोई इंफॉर्मेशन है कि पद्म पानी ऐसे ऐसे बोधिसत्व हैं या वज्र पानी ऐसे ऐसे बोधिसत्व हैं, सो दीज आर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इधर ये सारे वेदिका या फिर अजंता के पेंटिंग्स भी डिस्क्राइब करते हैं बोधिसत्वस को. इनके ही स्टोरीज जातका टेल्स में मिलते हैं. करेक्ट आंसर तो हमें मिल गया है, दैट इज ऑप्शन बी. वैसे हम लोग एक बार सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं जो बोल रहे हैं कि वो बोधिसत्व वैसे कंपैशनेट इंसान होते हैं जो कि एनलाइटनमेंट के रास्ते में निकल चुके हैं, और ये हम लोग को स्टेटमेंट पता है बोधिसत्वस के बारे में कि वो बिल्कुल ट्रू है. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस है अजंता एंड महाबलीपुरम. अजंता के पेंटिंग्स सत्वाहनास बनवाए हैं या फिर वकटकास बनवाए हैं या अजंता के केव्स, यही दो डायनेस्टीज ने पैट्रोनाइज किया था, जबकि महाबलीपुरम पल्लवास के अंदर फ्लरिश किया था. अजंता के जो केव आर्किटेक्चर हैं और जो महाबलीपुरम के टेंपल आर्किटेक्चर हैं, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि बोलता है कि ये दोनों सेम ही पीरियड में बना गया है. ये बात तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि सत्वाहनास और वकटकास हमें पता है कि एंशियंट इंडिया के पार्ट हैं, जबकि महाबलीपुरम का डेवलपमेंट जो पल्लवास के अंदर हुआ है, यहाँ से मोस्टली मिडिवल इंडिया का बिगिनिंग शुरू हो चुका है. ओके, पल्लवास एक्चुअली 600 एडी के आसपास रूल करते थे और सत्वाहनास या वकटकास अप्रोक्सीमेटली 300-400 एडी में ही थे. सो ऑब्वियसली इनका जो भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ होगा वो सेम पीरियड का नहीं था. सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि दोनों ही सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन के थे. सत्वाहनास बेसिकली बुद्धिस्ट थे और पल्लवास सारे के सारे हिंदू टेम्पल्स ही बनवाए थे. जैसे कुछ एग्जाम्पल हुआ पल्लवास के टेम्पल्स का, शोर टेम्पल ये महाबलीपुरम में है, कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है. इसको एलोरा के कैलाशनाथ टेम्पल से कंफ्यूज नहीं होना है. और भी कुछ कुछ टेम्पल्स थे जैसे दुर्गा टेम्पल, आदिवरा केव्स, जो कि भी पल्लवास के द्वारा ही बनवाए गए थे इन महाबलीपुरम. ठीक है, तो दे बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन, ये भी बात बिल्कुल ही गलत है. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट अगर दोनों ही इनकरेक्ट हो गया हमारा, तो थर्ड फाइनल स्टेटमेंट जो बोलता है कि दोनों रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, ये बात बिल्कुल ही सही है क्योंकि महाबलीपुरम का जो एनसीईआरटी डिस्क्रिप्शन देता है वो एक सिंगल मोनोलिथिक रॉक है जिसको काट काट करके उस पर अलग अलग स्टोरीज बनाए गए हैं. वो कहीं पे अर्जुनास पेनेंस का स्टोरी है, कहीं पे महाभारत के किसी और पार्ट का स्टोरी है. तो अलग अलग पार्ट को उस एक बड़े से रॉक पे कट किया गया है. या फिर द फाइव रथ टेम्पल, पंचरथ टेम्पल, जो पांच पांडव और द्रौपदी के रथ को डिनोट करता है, ये भी एक रॉक कट मॉन्यूमेंट ही है.
एंड अजंता भी हम लोग जानते हैं कि वो एक केव को काट करके बनाया गया है. सो दोनों ही रॉक कट मॉन्यूमेंट है. ये बात बिल्कुल ही सही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते थे 3 ओनली इफ वी हैड द नॉलेज कि हम लोग बेसिक एनसीईआरटी से जो भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस बेसिस पे ये आंसर बन सकता था. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरघत्ता मिडिवल हिस्ट्री में क्या होता था. अरघत्ता एक्चुअली वॉज द नेम फॉर पर्शियन व्हील. ये एक टाइप का इरीगेशन सिस्टम होता है जिसमें एक व्हील से काफी सारे बकेट्स अटैच्ड होते हैं और ये बकेट्स जिस व्हील से अटैच होता है वो व्हील बुल्स के द्वारा खींचे जाते हैं और ये व्हील घूम घूम करके वेल से पानी निकालता है. ओके, ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है लेकिन इस पे ये नहीं लिखा हुआ है कि दैट इज अरघत्ता. तो क्वेश्चन तो डिफिकल्ट था लेकिन वही बात है कि हम लोगों को क्वेश्चन से सीखने की जरूरत है. तो क्वेश्चन का हमारे करेक्ट आंसर होगा इट वॉज अ वॉटर व्हील यूज इन द इरीगेशन ऑफ लैंड. ओके, वेस्टलैंड दैट वाज कन्वर्टेड टू कल्टीवेटेड लैंड. मतलब किसी वेस्टलैंड को जब उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट कर दिया जाता था तो ऐसे जमीन को बंजर भूमि कहा जाता था. अभी भी हम लोग वेस्टलैंड को बंजर भूमि ही कहते हैं और मिडिवल इंडिया में ही जो लैंड ग्रांट्स मिलिट्री ऑफिसर्स को दिया जाता था उसको इक्ता कहते थे. वहीं पर अगर कोई लैंड वॉज ग्रांटेड टू ब्राह्मण तो इसको ब्रह्मदेय कहा जाता था. और अगर इफ दिस डोनेशन वॉज डन टू गॉड्स तो उसको देवदान कहा जाता था. नाम से भी पता चल रहा है कि ये ईश्वर को दान किया गया है, देवदान. इसमें एक यूनिक नेम है जहां कंफ्यूजन हो सकता है, अग्रहार. ये वैसी जमीन होती थी कि जब आप पुजारी को घर बुलाते हैं और प्रीस्ट को कुछ पैसे पे करने होते हैं तो जब आप पैसे नहीं देके कोई जमीन देते हैं तो उसको अग्रहार कहा जाता था. ये यूजुअली टेम्पल वगैरह के डेवलपमेंट में यूज होता था, टेम्पल या मोनेस्ट्री के डेवलपमेंट में. तो इन सारे क्वेश्चन से हम लोग ये एनालाइज कर पा रहे हैं कि हम लोगों को एनसीईआरटी का तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसको ऑन एंड ऑफ रिवाइज कर करके हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस डोमेन से हम लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं छूटे.